आज मैं आपको पूरी रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या खाती हूँ, मतलब शाम से लेकर रात तक क्या खाती हूँ। ये होने वाला आज हमारे नाश्ते में, और ये है मटर का पुलाव। हाँ 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 देखो, मैं चलो मैं और मंतशा खाएंगे। मम्मा ने फिर से बुला लिया है कि आ जाओ, सालन रेडी हो गया। रेडी हो गया, ये देख आलू गल गए, ये देख कैसा टूटा, ये टूट गया आलू, अच्छे से गल गए हमारे। ओके डन, हम नहीं कर रहे हैं। और बत्तीस बार चलाना। चप्पलों के साथ उठाया है कि भाई उठ जाओ। ये हमारी सुबह हो चुकी थी। हाँ मेरी हुई है 4 बजे गुड मॉर्निंग। और असर हो रही है असर। हाँ और मम्मा ने मुझे आके उठाया कि भाई उठ जा, क्या पूरी मतलब दिन निकाल देना, पूरा रात में उठेगी क्या? तो मैंने चलो उठ जाते हैं। जैसी मोटी मम्मा ने मेरे सामने पेश कर दिया नाश्ता, और मैं आपको बताती चलूँ आज मैं आपको पूरी रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या खाती हूँ, मतलब शाम से लेकर रात तक क्या खाती हूँ। शाम से लेकर रात तक, शाम से लेकर रात तक मैं क्या खाती हूँ? तो मॉर्निंग हुई है, तो मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में हम लेंगे केले। केले देख लें भाई, फिर आप बोलेंगे इसको बिन से और उससे साफ करें। अब ये छिलके ऐसे ही उतर जाते हैं भाई, ऐसे ही होते हैं केले तो भाई। मुझे एक कमेंट आया था कि ना साफ करें, अब ये ऐसे साफ होते हैं भाई। मुझे एक कमेंट आया था कि वीम हमारे पास ना एक पाउडर है मार्केट में आया, उससे ना अपनी पतीलियां साफ कर लें। तो मैंने बोला कि ना हम केले साफ कर ले, देखो कितने साफ केले साफ कर दिए ना मैंने। ये देखें, ये साफ हो गए केले, ये देखें इसका छिलका उतारा और ये हो गए केले साफ, और ये डाल दिया दूध में। ये देखो पहले हम जो है ना इसको पहले हम खाएंगे ये, ठीक है? केले को हमने मैश करना है ऐसे करके, ठीक है? अपनी सारी ट्रीटमेंट बता दो, सब गोरे गोरे हो जाएंगे। तो भाई पहले जो है ना हम नाश्ते में ये लेंगे बनाना, और हमारी मैश करो, इनको आता नहीं है। बस बस भाई बस, जितना दूध नहीं उतना तो केले डाल रही हूँ। उठी तुम शाम में हो, शाम की चाय का दूध खाइए। गजब बेइज्जती है। तो हमने केले को अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है? खा लो बादाम। ये देखो ये मैंने कर लिया अच्छे से मैश, ठीक है? और ये होने वाला आज हमारे नाश्ते में, और ये है मटर का पुलाव, ठीक है? ये होने वाला है हमारे नाश्ते में। पहले हम इसको जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे, और फिर जो पेट में जगह बनेगी उसमें हम मटर का पुलाव खाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत टेस्टी होता है, सुबह सुबह खाने से जो है ना आपकी एक तो सेहत भी अच्छी होती है। निहार मुझे खाओ, सेहत बहुत अच्छी होगी। केले और दूध का जो है ना आप पेस्ट बना के खाओ। चीनी डालना भूले में, विदाउट चीनी खा लो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये, ठीक है? और ये तो आपको पता है कि कितना टेस्टी होता है। ये तो पुलाव है हमारा, मतलब राइस मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देखो साथ साथ ये भी नाश्ता कर रही है। राइस मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब कुछ ना हो भी हो ना, अगर मैं राइस हो तो चलेगा, बिरयानी हो तो चलेगी, समझ लो। अब जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हम लोग, ठीक है? फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद नाश्ता वास्ता करके, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है, फिर आपको बताते हैं। पहले नाश्ता कर लूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मैं सोचा था सुबह उठ जाऊँगी लेकिन उठी नहीं भाई, इसलिए आप बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख के साथ मैं बैठी हूँ यहाँ पर। जल्दी जल्दी खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई यहाँ जो है ना हमारी प्यारी सी मम्मा कर रही है, हाय गाइस, हाय, क्या कर रही हो मम्मा? आज हम बना रहे हैं इवनिंग स्नैक्स। यस, इवनिंग स्नैक्स में क्या बना रही हो मामा? देख लें जी, पोटैटो, पोटैटो चिप्स, फिंगर फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। अच्छा तो भैया हमारी फ्रेंच फ्राइज है हमारे इवनिंग स्नैक्स में, ये क्या डाल ली हो? ये डाल रहे हैं हम अरारोट। अरारोट डाल रही है मम्मा, गाय ये ना क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है ये। कौन? चिप्स। चिप्स, अच्छा फ्रेंच फ्राइज। तो ये क्रिस्पी करने के लिए मम्मा डाल रही हैं इसमें अरारोट, ठीक है? देखो माशाल्लाह माशाल्लाह,
मेहनती औरत है ये। वहाँ हमारा ऑयल गरम हो रहा है, नमक नहीं डालना है, है नमक नहीं डालना है, बस बस आलू कट करके, आलू कट करना है और ये डालना है, अरारोट डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। ओके हो गया। हल्का सा आटा डालना और हल्का सा आटा डालना है अरारोट के बाद, ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। ये कोई भी टिप्स नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ आपको, ये आसिया की टिप्स हैं जो कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ आसिया की किचन में बताई जाएंगी। तलूंगी तो आप देखना कैसी कड़क कड़क हो जाएंगी। क्रिस्पी क्रिस्पी मॉम इंग्लिश, क्रिस्पी क्रिस्पी यस 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 इंग्लिश, व्हाई नॉट, यस यस आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। अरारोट और आटा आपने मिक्स करते रहना जब तक इस पर पूरा ना लग जाए, जब तक ये चिप्स वाइट वाइट ना हो जाए। ये सब मिक्स हो जाए, बस पानी पानी हो रहा है ना, इसको इसमें करना है, ऑयल गरम कर हो जाए, ऑयल हॉट हो जाए, हॉट हाँ ऑयल हॉट हो जाए तो आपने डालना है उसके अंदर ये फ्रेंच फ्राइज जिस पे आप अरारोट और आटा लगा रहे हो। यस यस ऑफ कोर्स, यस यस देख रहे हो, ये हमने अरारोट और आटा लगा दिया और पूरी फ्रेंच फ्राइज पे अच्छे से मिक्स हो गया है, मिक्स हो गई है, सही है, ओके हो गया। चलो अब तेल गरम हो गया कि नहीं हो गया चेक करो। गाइस हमें मम्मा ने बुलाया कि मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कैसी कड़क कड़क सी नजर आ रही है। पकने तो दो मामी, ऐसे कैसे नजर आएगी। मतलब मेरा ये था कि मैं बताऊं कि ऐसे करनी है ताकि ये चिपके नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। ये देखें, ये ऐसे कर लें, इसको हिला लें, चिपक जाएंगे तो ये फ्रेंच फ्राइज खराब हो जाएंगी, इसलिए इसको डालते रहें और एक चमचा हिलाते रहें कि ये कितनी अंदर जा सकती हैं। और ये तेज बोलो मामी, स्पीकर थोड़ी है हमारे पास। ओ गाइस व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बंद है मामा। मतलब अच्छा अच्छा, आई एम फाइन आई एम फाइन। देखा आपने, अभी भी ऐसे कर दूं बस, अब ये मैं जब तक बर्तन धो लूं। हेलो, तो भाई इसका इंतजार करते हैं, कभी ये गोल्डन ब्राउन होती है तो हम इसको बाद हमने बोला आलू मंगाए तो आधे ये कर लेते हैं और आधे चिप्स बना लेते हैं, आधे आलू की कतलियां बनाएंगे। अच्छा रात के खाने में क्या है, आलू की खोतल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फिंगर फ्राइज आ गई, ये हमारी आलू की कतलियां आ गई, ये मैंने काटी हैं, झूठे हैं झूठे बनाने के लिए, वीडियो में आने के लिए। अल्लाह अकबर, क्या बोल लिया मम्मा, दोबारा बोला, वीडियो में आने के लिए मैंने काटे, बताओ। मम्मा बाहर बैठ के काट रही थी, कहा लाई हो, क्या ये खजूर लाई हो, ओ रमजान आ गए क्या। अच्छा हम रोज खाते हैं खजूर रात को। अच्छा अच्छा जी, चेक तो कराओ कैसी है। इसको वॉश कर लो पहले। चलो जी, ये हमारी आलू की कतली जो बनेंगी और ये हमारी फिंगर फ्राइज तल रही है। तो भाई यहाँ हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गई है, कितनी ब्राउन ब्राउन है, क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ ये देखो, ये चेक कर ले, हो गई क्या, नहीं पक गई। चलो प्लेट में सर्व करो इसको। देखिए आवाज कैसी आ रही, कड़क कड़क, नहीं कड़क हो गई, नहीं कैसी आवाज आ रही है, कड़ाला 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 कड़ाला। ये देखिए इसका ऑयल सारा निकाल दो ना, निचोड़ लूँ, ये देखिए
केचप मंगवाओ ना, मसाला लगाऊं। चलें जी हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी है भाई। मसाला भी लगेगा। अनाया ये दूसरी बार डाल रही है चिप्स, ठीक है। देखा आपने कितनी क्रिस्पी हो रही है। आप लोग बना के चेक करिएगा आसिया की किचन की रेसिपी ऐसी होती है कि बस। ये आपको जो चिप्स बनाते हैं ना वो भी नहीं बताएंगे जो मैंने बताई है, क्योंकि मामा पहले चिप्स का काम कर चुकी है ना। हाँ बेचती थी ना चार नंबर पर करंगी चार नंबर पर मम्मा का स्टॉल था। हाँ मेरा ठेला था। ये देखो चेक करो आप बस क्रिस्पी क्रिस्पी चेक करो। तो भाई यहाँ से अम्मा ले रही है मसाले। कौन सा मसाला डाल रही हो? चाट मसाला। चाट मसाला देखो। चाट मसाला देखो ये हो गया चाट मसाला। नमक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि चाट मसाले में बहुत नमक होता है। और इसको किया हमने केचप आ गया। केचप हम डालते हैं चिली गार्लिक सॉस वाला, ठीक है, रेड चिली वाला। और इसको अलग से ही डाल दो ना, फिर कोई खाता है कोई खाता हमारे यहाँ खाते हैं सब खा लेते हैं। ये देखो स्वाद चेक करें आप स्वाद। ये देखो लग रही है हमारी इवनिंग स्नैक रेडी हो चुकी है। ये देखो कितनी हसीन लग रही है। और खाने में मैं आपको खा के बताऊं। हाथ में प्लेट पकड़ो ना। ओहो हाथ में प्लेट पकड़ो। ये लगी मसाला, ये लगा हुआ केचप और ये नरम तो एकदम अंदर से ऐसी नरम ऊपर से कड़क। आवाज़ें सुनाओ ना खा के आवाज़ें सुनाओ मम्मा ने बनाई है। तो भाई ये हो गए हमारे इवनिंग स्नैक्स रेडी। देख सकते हो आप लोग कितने क्रिस्पी और कितने मसालेदार कितने स्पाइसी लग रहे हैं। तो अब इसको खाते हैं हम लोग अपने इवनिंग स्नैक एंजॉय करते हैं। तो ना सब अपने इससे ले लेके बैठे हैं। मींस सब अपने इससे ले लेके बैठे हैं। इस छोटी मुन्नी को हमारी बहुत पसंद है ना मंतसा? पसंद है ना? केले खाते हैं। केले भी खाओगी? पहले ये तो खा लो। चलो आवाज देखो आप लोग कितनी अच्छी आ रही है। ये देखो ये लो मुन्नी केचप खाओगी? ये क्रिस्पी क्रिस्पी आ जाओ मुस्कुरा। बहुत क्रिस्पी अब हम लोग करते हैं अपने इवनिंग स्नैक्स इंजॉय, क्योंकि हमारे दोपहर मतलब शाम के नाश्ते के बाद जो है ना डायरेक्ट ये वाला नाश्ता होता है। कुछ हम लोग समोसे मंगवाते हैं रोल मंगवाते हैं घर में कुछ बना लेते हैं। तो आज मम्मा ने बनाई है हमारी पसंदीदा आलू की चिप्स। हाँ 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 देखो मैं साथ खा लूँ आपसे। चलो मैं और मंतसा खाएंगे। आ जाओ पहले आ 10 मिनट अभी आ जाओ। हवा इतने शांति डालो। हाँ मंजिशा बहुत मिर्ची है। मेरी दूसरी रेसिपी भी आपको मिलने वाली है आलू की कतलियाँ। हाँ और हमारे डिनर में बनने वाली है आलू की ही कतलियाँ। मींस आलू की चिप्स के बाद हम बनाएंगे डायरेक्ट डिनर की तैयारी करेंगे। और मैं आपको रेसिपी भी बताती रहूँगी देसी का बना के कितने मजे की बनती है। हाँ हाँ पहले ये खा लो जल्दी जल्दी। सही है गरम गरम हो रही है ना खाई नहीं जा रही वो गरम हो रही है ना। तो भाई हमारी जो इवनिंग स्नैक पार्टी है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है जी खाना बनाने की। तो मम्मा हमें बुला रही है किचन में, चलते हैं देखते हैं क्या बना रही हैं। मम्मा बना रही है जी आलू की कतलियां। मम्मा को ना इतनी पसंद है ना आई लाइक आलू 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 जब पापास लाइक आलू। चलो क्या कर रही है अभी? बता रही हूँ ना क्या कर रही हूँ। मसाले निकालू ना फिर एक दफा। अच्छा मतलब मुझे बोल के मुझे बुला के और खुद बना नहीं रही भाई। ये भी सही है मैं जा रही हूँ मैं नहीं बना रही ब्लॉग ब्लॉग। चलो आ रही। चलो चलो स्टार्ट। पहले क्या करना है? पहले एक अदद पतीली रखनी है साफ सी। ओके माशाल्लाह बहुत साफ है आपकी पतीलियाँ। सही है जहेज में कुछ लेकर ही आ जाती। जहेज में कुछ लेकर ही आ जाती मांझी और मांझे के लिए साफ सी पतीली रख दी। ठीक है बहुत साफ माशाल्लाह। ओके अब इसको हमने चूल्हे पे चढ़ाया। सही है ये देखें आपके सामने। असल में ना
ये जो मेरा चूल्हा था ना, ये ना चूहों ने खा लिया। यहाँ जो हमारा चूल्हा लगा हुआ था ना, वो क्या कर दिया, चूहों ने खा लिया। हमारे चूहे इतने हो गए थे बीच में, इतने ज्यादा वो ऐसा था ना, वो तार खा गए, पाइप खा गए, ये खा गए, वो खा गए। वो चूहे नहीं थे, वो हाथी के बच्चे थे। हाथी के बच्चे हमारा वो खा गए, तभी हमें ये वाले चूल्हे में पकाना पड़ता खाना। एक चूल्हा है उसमें क्या क्या बनाया बंदा यार। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अब ऑयल डाल देते हैं हम। कितना ऑयल डालना है मम्मा? ऑयल डालते हैं हम, ये जो हमने चिप्स का ऑयल था ना, अब ये वेस्ट तो करने से रहे हम। अब हम इसको ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लेना है हमने आधा कप, ये ले लिया हमने अंदाजे से आधा कप। सबको अपने अपना अंदाजा होता है ना, मुझे भी ये आधा कप ले लिया मैंने। ओके हो गया, ठीक है। और ये गरम हो रहा है, अब इसमें हम डाल देते हैं एक स्पून जीरा छोटा वाला। हाँ, नुना सा बच्चों वाला, सही है। ये देखिए, ये डाल दिया हमने जीरा, और ये हमने बंद कर दी। अब ये हमने ले ली लहसुन अदरक की, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे अब हम। चल ले लो। ओके, स्पून ले लो आप। स्पून वो बताती रहा करो, मैं भूल जाती हूँ। असल में ना मैं कहती हूँ, पाकिस्तान वाले हैं ना हम लोग, ज़रा उर्दू बोलें। अच्छा, क्या अंग्रेज़ी। चल, लेकिन बोलना पड़ता है। चलें, ये ज़ीरा हो गया। अब इसमें डाल दिया हमने एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा और डाल दूँ, कम लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा और डाल दिया, 1.5 स्पून। अब ये ले ली हरी मिर्चें, मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, ये मैं डाल लूँ। टमाटर काटे हुए 4 अदद, ठीक है, 4 अदद टमाटर है, और 2 स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हो गया हमारा, और इसमें हमने डाल दी आधी चमची हल्दी सही। ये हो गया, ये हमने डाल दी इसी मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें डालेंगे ज़रा थोड़ा पेस्ट में, आधी चमची। कौन सी मिर्च है ये? कश्मीरी। दिखाओ ज़रा खोल के, कुटी कुटी सी थी। इसको कहते हैं, इसकी कलर इतना ज़बरदस्त आता है। आप कश्मीरी मिर्चें दाल के सालन कोई पकाओ, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया। जैसे बाहर होटलों में खाने जाते हैं ना हम लोग, लाल लाल सा रोगन सब पर, ऐसे इसमें आएगा। ये हो गया हमारा जीरा और लहसुन। अब इसमें हम डाल लेते हैं आलू। ये डाल दी मैंने आलू, उसका पानी जो है ना गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने दोबारा वॉश करके ना दोबारा से ऐड किया। ये देखो, यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये हरा धनिया चॉप करके रखा, आप नहीं बनेगा। ये हरा धनिया हम लोगों ने चॉप कर लिया, काटा पीटी कर लो सारे काम। टमाटर काटे थे मैंने, और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था, लहसुन अदरक तो पिसा वही होता सबके घरों में। एक चमचा आधी चमची हल्दी डाली थी, और एक आधी चमची मैंने मिर्ची डाली थी कश्मीरी, और तेल गरम करके जीरा डालो, बस पक गई। थोड़ा सा पानी डाल दो तब तक आलू गल जाए। तैयार आलू की कितनी है, वाओ। अब ये इसमें मैं करती हूँ, मेरी आइडल मेरी मास्टर शेफ मेरी मम्मा ही है, मैं इनसे खाना बनाना सीखती हूँ। खाना बनाना मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। सिर्फ वही मसाले होते हैं जो हर उसमें डालते हैं सालन में, सारे मसाले वही होते हैं, बनाने का तरीका होना चाहिए। चलो इसको बनाना, जायका आना चाहिए, और जायका आप देखिएगा कितने मजे का होगा इसका। ऐसे करते रहो, फुल आँच पे इसको भूनते रहो, और फिर थोड़ा सा पानी डाल दो, इतना सा पानी डलेगा 1 कप, सही है, जो आलू गल जाए बस। ओके, चलो दिखाओ पानी डालते हैं, अभी डालना है? हाँ, बस ये ले लिया 1 कप पानी ले लिया। हाँ, ये 1 टीस्पून। हाँ, 1 कप। हाँ, 1 भूल गई। अब इसको गलाना है भाई, ठीक है, अब इसको रख दो आप, इसको पहले ढक के रखना है, और इसको अच्छे से भून के ना, इसको अच्छे से भूनना है, आपने चम्मच चलाना है, इसके अंदर पानी ऐड करना, और इसको जो है ना आपने कुछ चीज़ ढक देनी है, क्या कहते हैं, दम लगाना है।
वो थोड़ा फुल आंच पे रखना है, जब एक उबाल आ जाए तो दरमियानी आंच करनी है बस। अच्छा सही है, मिडिल आंच पे, मिडिल फ्लेम पे आप लोग रहेंगे ना, इसके ऊपर ढक्कन ढक देना और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। फिर जब ये पक जाएंगी फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर मम्मा ने फिर से बुला लिया है कि आ जाओ, सालन रेडी हो गया। रेडी हो गया, ये देखो आलू गल गए, ये देखो कैसा टूटा, ये टूट गया आलू, अच्छे से गल गए हमारे। ओके डन। अब हम डाल लेते हैं इसमें नमक, हसबे जायका, हसबे जायका नमक डाल लो भाई। आप ज़ाहिर है कोई हल्का खाता है, किस कोई तेज़ खाता है, तो हम हल्का खाते हैं, थोड़ा हल्का, बिल्कुल हल्का। और हम इस पर नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल, डालने के बाद नमक भी चेक कर लेते हैं कहीं कम, बहुत ही कम ना हो। हाँ बहुत मज़े की, लेकिन हल्का सा नमक कम लगा है, नहीं सही लग रहा है, गरम बहुत हो रहा है ना, लेकिन बहुत मज़े का मसाला बना, बहुत मज़े का। अभी इसको दम पे रखेंगे तो सालन ही आ जाएगा। फिर क्या करना है, सर्व करेंगे और खाना शाना खाएंगे। चलो जी अब आलू की कतलियाँ रेडी होने का वेट करते हैं। क्या देखना, बिल्कुल इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल दम लो, फ्लेम कर लो बिल्कुल। और इसके बाद अब इसमें तेल आ जाएगा और ये हमारी रेडी। चलो जी इस पे दम लग रहा है, तब तक हम लोग बैठ के दस्तखान वस्तखान लगाते हैं, देन इसको टेस्ट करके आपको रिव्यू शेयर करते हैं। भाई हमारा दस्तखान लग चुका है, हमारे खाने में ये सलाद है, प्याज हमारे खाने में बरकत डाल। आमीन आमीन। वही हमारे प्याज है और इट्स हमारा जो मम्मा ने रेडी किया है वो है ये सालन, ठीक है। ना रोटी दो, रहने दो, काम से ला लो। चलो ये देखो भाई, ये हमने ले लिया आलू की कतलियाँ, सही है। तेल मम्मा माशाल्लाह, देखा मैंने बताया, बोला था ना कैसा मज़ा, मुझे बोलनी थी तेल का, कुछ जगह कैसे भगभग डाला है। इसमें तेल नहीं है, मैंने तुम्हारे को लोगों को दिखाने के लिए डाला है मैंने, देखो इसमें तेल नहीं है बेटा, ये देखो तेल नहीं है इसमें, मेरे में क्यों डाला है भाई? मैंने अच्छा लगता है ना, रोगन रोगन आता है, मजे का लगता है, ऐसा लगता है कि बस लाते रहो पाए। सुबह तो बड़े आराम से इतना रोगन था वो पाए थे ना, और वो भाई की चीज थी। पापा बताओ कैसा रिव्यू, सुनो खा के दिखाओ, खाओ देखो मैं इतना खाया करूँ, देखो न्यू करके आपने बड़ा सा निवाला लेना है, सही है। हम नहीं कर रहे और बत्तीस बार चलाना है। गंदा सा लग रहा है, रहने दो भाई मैं नहीं खा रही, मुझे टिक्का ला दो। देखो मैंने 32 बार ही चबाया, आपने गिन लिया होगा। अब जलेबी खाना खाते हैं, और आप नहीं खा रही मम्मा? नहीं वो आलू की कतलियां बनी है ना, अभी चिप्स खाई, उनके दांत में दर्द हो गया। नहीं चिप्स, अब वो चिकन टिक्का खाएंगी, चिप्स खाई थी अभी मैंने। चलो जी अब जलेबी खाना खा लेते हैं, आप खाओ आपको बड़ी पसंद है ये। हाँ इनको बड़ी पसंद है भैया, तो जलेबी खाते खाना और फिर एक ब्रेक के साथ आपको मिलते हैं। खाना शाना खा लिया हम लोगों ने, अब जा रहे हैं हम सब हाथ धोने के लिए, हाथ धोने जा रहे हैं। तो भाई अब जो है ना हमारे सोने का टाइम है, बस चलो हाथ धो लेते जल्दी से। हाँ जी तो भाई इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट व्लॉग कौन सा लेकर आए, नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेकर आए, इन कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। अच्छा जी तो बस अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।